पाना मुश्किल है। मोटर व्हीकल एक्ट 16 सितंबर से गुजरात में लागू किया जाएगा, लेकिन सड़कों की जो हालत है वो हम आपको सबसे पहले दिखाना चाहेंगे। ये है भोपाल से लेके साणंद चौरस्ता तक का ये पूरा जो रास्ता है वो उबड़ खाबड़ रास्ता है। लोग रोज़ इधर ही से सफ़र करते हैं और ट्रैवल करते हैं, पता नहीं कितने किलोमीटर, तकरीबन 2 किलोमीटर का ये जो पूरा रास्ता है वो ऐसा ही है, खड्डे वाला है। रोज़ लोगों के लिए ये रोलर कोस्टर राइड होती है और काफ़ी मुश्किली से ये इसका सामना करके फिर अपने अपने डेस्टिनेशन पर ये अपने अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। लेकिन इसमें ये रास्ता ये कब से ऐसा है इसी के बारे में जानते हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जो रोज इधर से ही पास होते हैं, बात करते हैं उनसे। आपका नाम क्या है? मिस्टर पटेल। कितने टाइम से आप ये रूट पे ट्रैवल करते हैं? ऑलमोस्ट 20 इयर्स। 20 साल से। तो ये रास्ते की हालत कब से ऐसी है? मॉनसून स्टार्ट होने से पहले तो ये जो लेयर नहीं किया था उस टाइम पे तो रोड बहुत बढ़िया था, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ जहाँ भी फ्लाईओवर का काम स्टार्ट किया सभी जगह पे पूरे ऑलरेडी यहाँ के नियरेस्ट 20 किलोमीटर में सेम प्रॉब्लम है, ठीक है। आप कहीं भी चले जाओ, बेसिकली इतने लोगों को गिरते हुए देखा है, हमको हर्ट हो रहा है कि ये रोड की वजह से हो रहा है। मिस्टर वीरानी रूपानी जी ने अभी दो दिन पहले इंटरव्यू दिया था कि मुझे कोई कलेक्शन नहीं करवाना है। फर्स्ट तो कलेक्शन नहीं करवाना है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर रूपानी जी यहाँ से शायद गुजरने वाले होते तो ये रोड की हालत विद इन 1 आवर में ठीक होती। फर्स्ट आपको आपके गुजरातियों की बहुत चिंता है, वो मुझे भी मालूम है और उनको भी मालूम है। तो सर हमारी रिक्वेस्ट है कि जहाँ जहाँ भी ऐसे है तो एक बार आप विजिट कर लीजिए, दूसरा कुछ नहीं बोल रहे हम, आप विजिट करिए। आप सेफ्टी की बात करें उसमें आप लोग जीरो है, कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप देख लीजिए, बाकी आपकी मर्जी, जनता सब कुछ जानती है। ये है एक अहमदाबाद के लोगों की गुहार। एसी में बैठने वाले बाबू जरा सा जागिए और ये रास्ते पर से गुजरिए, तब आपको शायद इनकी तकलीफ का एहसास जरूर से होगा। थैंक यू सो मच। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये देखिए ये जो इधर गटर है, नाला इधर बहता हुआ है, लेकिन इस पे कोई ढक्कन लगाया नहीं गया है। बस ये जो दो डिब्बे हैं इसको रख के संतोष मानने की कोशिश की गई है और बाद में बस लिख दिया गया है कि खतरा डेंजर, लेकिन ये गटर का ये जो गटर का ढक्कन है उस पे लगा नहीं हुआ है, ढक्कन नहीं लगा हुआ है। मेरे पीछे ये छोटा बच्चा है, अगर वो आता है बारिश में गीला हो गए और बारिश में भी ये पूरा रास्ता एकदम से भर जाता है और अगर कोई इसके अंदर गिरता है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? जनता इतना टैक्स पे कर रही है, किस दिन के लिए पे कर रही है, इतना सारा करती है, लेकिन पिछले तकरीबन कंप्लेन यही है कि 6 महीने से ये जो रास्ता की हालत है वो धरी की धरी है, समस्या वैसी ही की वैसी है। ओडा में बीजेपी की सत्ता है, सरकार बीजेपी की है, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी ये रिपेयर क्यों नहीं हो रहा, जनता इससे परेशान है। और साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आईके जाडेजा जो बीजेपी के ही नेता है, उनका ही सवेरे ट्वीट हुआ था, उन्होंने बोला था कि भोपाल से लेकर जो ये पूरा रास्ता है तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर तक का वो वैसे का वैसा ही है, खड्डों से भरा हुआ है। और उन्होंने साथ में ये भी सवाल किया था कि क्या ओडा के लोग, ओडा के सत्ताधीश इस पर से नहीं गुजरते होंगे? शायद अब आपको जागने की ज़रूरत है और ठीक करने की ज़रूरत है ये रोड जो काफ़ी सारी समस्या लेकर आ रहा है। न जाने कितने सारे लोग इस समस्या से गुजरते होंगे, ट्रैवल करते होंगे, और कितनी सारी लोगों को बैक पेन की भी समस्या होंगी और कितने लोग ये उबड़ खाबड़ रास्ते पर गिरे भी होंगे और अपनी जान को दांव पर रखकर ये लोग जो होते हैं वो तकरीबन कहां कहां से ट्रैवल करके आते हैं और उनका समय भी इसमें काफ़ी बर्बाद होता है। तो बस अब एक ही गुहार है कि जल्द से जल्द ये रास्ता ठीक करवाया जाए, लेकिन उसके लिए आपको दफ्तर से बाहर निकलना होगा, ये सड़कों पर आना होगा, तभी आप शायद लोगों की समस्या का, लोगों की परिस्थितियों का अंदाज जरूर से लगा पाएंगे। बाबू, नोबडी इज बोदरिंग अबाउट फिनिशिंग द रोड्स एंड गेटिंग ट्रैफिक मूव्ड, दे डोंट लाइक दैट। डेफिनेटली कहूंगा कि आई एम अ टैक्स पेयर, मुझे ये साफ रास्ता चाहिए तो चाहिए, दैट इज माई डिमांड। मैं अगर ये टैक्स ये पेनल्टी लगा रहे हैं तो इसके सामने कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट यस दे आर सपोज टू प्रोवाइड अस द बेस्ट सर्विस। लास्ट 6 महीने से रोड ऐसा ही है, ये रास्ते पे बहुत परेशानी रहता है, रास्ते के हिसाब से ये रास्ता इतना ख़राब है, इसके लिए ट्रैफिक का भी समस्या बहुत रहती है
और तो हम लोग तो रोड टैक्स पे करते हैं, तो गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे करने के बाद भी इतनी परेशानी रहती है, रास्ता बहुत ख़राब है, आप देख सकते हो कैसा है, कितनी परेशानी हो सकती है। यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या भी रास्ते के हिसाब से रहती है, अगर कहीं पे जल्दी जाना है तो एक एक दो दो घंटे लेट हो जाते हैं। ये जो सर्विस रोड है इसलिए बनाया गया कि आप देख रहे हैं कि एक ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, ओवरब्रिज जो है वो आने वाले वक्त में ट्रैफिक को बहुत ईज आउट कर देगा। अब ये सर्विस रोड के पास से एक सूअरेज लाइन जा रही है, वो ओवरफ्लो होने की वजह से रोड थोड़ा डैमेज हुआ। मीनवाइल बारिश भी काफ़ी लास्ट वीक हुई। अब ये जो रोड का रिपेयरिंग हमने पिछले 3 दिन से शुरू करा है, जो मेजर खड्डे थे दोनों तरफ की सर्विस रोड पे वो फिलअप कर दिए हैं। बारिश भी 2-3 दिन से थोड़ा रुका हुआ है, इसलिए पेवर प्लांट भी आज हमारे काबू में आया है, पेवर प्लांट भी शुरू हुआ है। तो हम होपफुली ये 2-1 दिन के अंदर इसको अच्छा सा वेरी गुड कंडीशन में ला देंगे। और मैं साथ में आपके माध्यम से अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी अउडा के एरिया के नागरिकों के लिए संदेश देना चाहूँगा कि अउडा एरिया के जितने भी रोड हैं टेक इट एज अ वर्ड फ्रॉम अउडा, हम 15 दिन के अंदर, अगर बारिश का भी साथ रहा तो हम 15 दिन के अंदर, बारिश अगर कंट्रोल में है तो 15 दिन के अंदर सभी रोड को अच्छी कंडीशन में ला देंगे।